इलेक्शन इलेक्शन मोमेंट में दिखाता है हर पार्टी क्या 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 अपना बूथ खोल रखे हैं, ऑफिस खोल रखे हैं, आइए मिलेंगे या ऑफिस में भारतीय जनता पार्टी का भी ऑफिस है और ख़ास करके एक्टिव लड़के यंग लड़के हर कोई ऑफिस में मौजूद है, आइए मिलेंगे। क्या कहते हैं आपको नाटा आपको नाटा ना 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 सर आपका संतोष कुमार यादव। संतोष बाबू आज जो देखा जा रहा है बूथ आपने खोल रखा है भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन 23 तारीख को और हर लोगों को ये बीजेपी कार्यालय में खोला गया तो हर किसी के रहता है अपना वोटर में नाम चेक करने का चिरकुट बांटने का कई भी समस्या होता है और खासकर ज़्यादा जिम्मेदारी ऑफिस वालों को होता है जो बूथ को खोलते हैं। तो सर सबसे पहले आप आपका टोटल कितना बूथ है यहाँ पर? मेरा 30 नंबर वार्ड है। बूथ तो हमारे एरिया में 3 बूथ का मैं चार्ज में हूँ जी। और टोटल वोटर कितने 3 बूथ में? 3 बूथ में वोटर कम से कम है हमारे पास 10 से 11 तक होगा। उसी में 3 बूथ हमको मिला हुआ है, 3 बूथ काम लेके काम कर रहे हैं यहाँ पे जो अपनी भारतीय जनता पार्टी बैठक गया उसका हम लोगों ने हम यहाँ पे ऑफिस करके उनका पब्लिक का हो हमारे जो वोटर है उनको कैसा सुविधा मिलेगा उनको कैसा आराम से वोट दे सकेंगे उनका सुविधा के लिए यहाँ नियम मास्क को रख के चिरकूट जो सुविधा हो सकता है जिसका वोटर लिस्ट नाम नहीं आया जो इधर उधर भी हुआ है उसको शोधन करने के लिए हम खोल के उनको पूरा मेकअप करके चल रहे हैं। तो सर जो चिरकूट है आप डोर टू डोर बांट रहे हैं कि यहाँ पर आके लोग ले जा रहे हैं? हाँ डोर टू डोर तो हमारा लेडीज लोग भी बांट रहे हैं हम लोगों ने भी टेम्पो जा रहे हैं यहाँ पे जो आते हैं बदरक आदमी आके खुश कोच के कोच यहाँ हमारा मेंबर एनी टाइम बैठे रहते हैं सुबह 8 बजे से लेके रात को 9 बजे तक हम लोग बैठे रहते हैं जो आते हैं उनका बाई मिस्टेक हुआ है क्या हुआ उनको चुन के यहीं से नाम लिख के चिरकूट भी आप दे सकते हैं उनको रिक्वेस्ट भी करते हैं। तो आप ये मैसेज क्या देना चाहेंगे अपने वार्ड वालों को सबको? हमारा वार्ड वालों को हम एक मैसेज देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी एक जो राष्ट्रीय दल है मोदी जी का नेतृत्व बहुत है उड़ीसा में तो मोदी जी का जो कार्यकर्ता 4.5 साल का सबको पता है उनको ये कराने के लिए हम लोगों ने डेली लेकर मोदी जी का नाम लेके चलें। थैंक यू सर बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देख सकते हैं किस तरह ये कहते हैं कि आप मोदी जी को वोट दीजिए और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कीजिए।